माधेपुरा के चौसा में फर्जी संजीवनी निजी अस्पताल को स्पेशल टीम के अधिकारियों ने किया सील, संचालक हुआ फरार। माधेपुरा जिले में अवैध रूप से चल रहे फर्जी निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल पर गिर सकती है गाज। जिला प्रशासन के आदेश पर उदा किशुनगंज अनुमंडल कार्यालय से ऐसे निजी अस्पताल की जांच हेतु निर्गत हुआ है पत्र। निर्गत पत्र के आलोक में अनुमंडल स्तर पर गठन की गई स्पेशल टीम, वहीं इस टीम में शामिल अधिकारियों ने आज उदा किशुनगंज अनुमंडल से जांच प्रक्रिया प्रारंभ किया है, जहां चौसा के एक संजीवनी निजी अस्पताल पर की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान टीम में शामिल स्थानीय चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी ने कहा, प्रथम दृश्य जांच के क्रम में संजीवनी अस्पताल पाया गया है फर्जी और यहां चल रहे दवाई दुकान का भी नहीं है लाइसेंस। बिना लाइसेंस के ही चल रही थी दवाई की दुकान। इन निजी अस्पताल को अधिकारियों ने किया सील। वहीं यहां के संचालक डॉक्टर पी आलम की डिग्री को भी जांच अधिकारियों ने बताया संदेहास्पद। हालांकि जांच के बाद ही हो पाएगा कोई खुलासा। चिकित्सक की डिग्री है फर्जी या सत्यापित, फिलहाल फर्जी संजीवनी अस्पताल में अधिकारियों ने लगाया ताला। प्रथम फेज में ही जांच प्रक्रिया के बाद जिले में हड़कंप मचा है। कई ऐसे निजी अस्पताल संचालकों की नींद उड़ा पड़ी है। कभी भी किसी वक्त अन्य ऐसे अस्पताल पर चल सकता है जिला प्रशासन का डंडा। वहीं इस मामले को लेकर जांच टीम में शामिल स्थानीय प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर इंद्रभूषण कुमार ने बताया कि अनुमंडल स्तर से जांच हेतु टीम बनाया गया है, जिस टीम में स्थानीय वीडियो और थानेदार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आज जांच के दौरान फर्जी निजी संजीवनी अस्पताल को सील कर दिया गया है और फोर्ड अस्पताल के संचालक को 24 घंटे का समय भी दिया गया है, वे अपना साक्ष्य उपस्थित करेंगे। फिलहाल आज एक अस्पताल पर गाज गिरी है, ऐसे कई अन्य अस्पताल भी हैं, गाज गिर सकती है। जांच प्रक्रिया जारी ही रहेगा। उन्होंने बताया कि संजीवनी अस्पताल के संचालक फिलहाल फरार है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला है ना, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत दिन से अवैध ढंग से नर्सिंग होम चल रहा है। ये सिविल सदन के हमारे आदेश थे कि प्रखंड में जो भी चिकित्सा पदाधिकारी है जो अवैध ढंग से चल रहा है उसको सील किया जाए। इधर एक सप्ताह से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विभिन्न समाज पत्रों के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके कारण जो है वहाँ चेकिंग की गई, जिस कारण जो है नर्सिंग होम को सील किया गया। कोई आपत्तिजनक सामान भी बरामद नहीं? अभी तक तो नहीं है। कुछ एक्सपायरी ड्रग बरामद किया गया है और क्या कहते हैं उसमें जो है सो दवाई का दुकान का लाइसेंस भी नहीं था, उसमें कोई पेशेंट नहीं थी, लेकिन क्या कहते तीन स्टाफ था जो एक देखने से लगता है नाबालिग है, समझे, और तीनों स्टाफ को फ्री में काम कराया जा रहा था, उसको एवज में कोई पैसा नहीं दिया जा रहा था। और भी अन्य जो अस्पताल है सर निजी नर्सिंग है, अस्पताल है फोर्ड में हम गए थे, वो फोर्ड बंद पाया गया, उसको हम नोटिस दे रहे हैं 24 घंटा का, समझे। बाकी धीरे धीरे सबकी प्रक्रिया पर चलेगी, धीरे धीरे नर्सिंग बताया जा रहा है। सर डॉक्टर का डिग्री भी फर्जी है? हाँ, जो डॉक्टर का डिग्री हमको पाया गया अंदर चैम्बर से, वैसा देखने से लगता है कि संदेहपुर में है, कि मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज का MBBS का डिग्री बता रहे हैं। मुकेश कुमार माधेपुरा से।